अरे गोरिल्ला भाई, मुझे एक बहुत ही खुफिया बात मालूम चली है। अरे बंदर भाई, कौन सी खुफिया बात, मुझे भी तो बता। अरे गोरिल्ला भाई, पहाड़ी के पीछे कैंडीमैन की हवेली है। कैंडीमैन? अरे बंदर भाई, ये कैंडीमैन कौन है? अरे गोरिल्ला भाई, कैंडीमैन वो व्यक्ति है जिसकी हवेली में अनगिनत चॉकलेट, टॉफी, केक, पेस्ट्री, चिप्स, चौकोबार और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अरे बंदर भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर हम उस पहाड़ी के पीछे कैसे जाएंगे? अरे गोरिल्ला भाई, तू चिंता मत कर, मैं अभी चिंटू भाई को फोन करता हूँ, वो अपना प्लेन लेकर यहाँ पर आ जाएगा और हम सब चल चलेंगे। अरे बंदर भाई का फोन। हाँ बोल बंदर भाई, क्या हुआ? अरे चिंटू भाई, तू फटाफट अपना प्लेन लेकर पार्क में आ जा, हमें बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। अच्छा ठीक है बंदर भाई, मैं बस पहुँच गया, जल्दी आइयो चिंटू भाई। बंदर भाई, आज तो मैं ढेर सारी चॉकलेट खाऊंगा, और गोरिल्ला भाई, मैं ढेर सारा केक खाऊंगा। अरे बंदर भाई, आ गया मैं, जल्दी आ जाओ अब। बंदर भाई, ये तो बता, हमें चलना कहाँ पर है? अरे चिंटू भाई, हमें पहाड़ी के पीछे कैंडी मैन की हवेली में चलना है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। बस चिंटू भाई, यहीं पर रुक। वो देखो, वो रही कैंडी मैन की हवेली। गोरिल्ला भाई, तू मेरे साथ आ जा, और हाँ चिंटू भाई, तू प्लेन चालू रखियो, हम बस सामान लेकर पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है बंदर भाई, अब चल गोरिल्ला भाई। गोरिल्ला भाई, तू एक काम करियो, कैंडी मैन को अपने पीछे लगा लियो, और इतनी देर में मैं सारा सामान लेकर बाहर आ जाऊंगा। हाँ बंदर भाई, ये ठीक रहेगा। गोरिल्ला भाई, वो देख, वो रहा कैंडी मैन। हाँ ठीक है बंदर भाई, मैं उसके पास जा रहा हूँ। और कैंडी मैन, क्या हालचाल है तेरे? अरे तू कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया, कैसे आ गया तू? अरे कैंडी मैन, गुस्सा क्यों होता है, मैं तो यहाँ पर बस थोड़ी बहुत खाने पीने वाली चीजें लेने आया हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी हवेली से खाने पीने वाली चीजें लेकर जाएगा? अब तो तू गया, ये ले। अरे छोड़ दे मुझे कैंडी मैन, छोड़ दे। अरे भागना पड़ेगा यहाँ से तो। रुक जा, कहाँ भाग रहा है तू? आजा गोरिल्ला भाई, मैंने सारा सामान ले लिया है। अरे जल्दी भाग बंदर भाई, कैंडी मैन मेरे पीछे पड़ गया है। चिंटू भाई, जल्दी भाग यहाँ से। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सब को। अरे बंदर भाई, अब हमें दुकान से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा चिंटू भाई तूने।